आज हम अप्लाइड फिजिक्स प्रैक्टिकल नंबर 2 स्क्रूगेज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारा उद्देश्य है स्क्रूगेज की सहायता से किसी तार का व्यास एवं घनत्व ज्ञात करना। सबसे पहले मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये इसका सर्कुलर मान है, स्केल है, ये इसका मेन स्केल है, ये इसका रेचिट है, और ये चूड़िया है। यहाँ अपन तार रख के व्यास ज्ञात करेंगे पी और क्यू के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं हम अल्पतमांक कैसे निकालते हैं। अल्पतमांक का एक फॉर्मूला होता है चूड़ी अंतराल अपन वर्ताकार पैमाने में कुल भागों की संख्या डिवीजन। चूड़ी अंतराल निकालते अपन, यहाँ से इसको वर्ताकार भाग को 5 चक्कर लगाते हैं, यहाँ 0-0 चेक करते हैं 5 चक्कर लगाने में, और फिर मेन स्केल में देखते कितनी रीडिंग दे रहा है। सपोज करो 5 चक्कर लगाने में यहाँ 5 mm आ रही है, तो 5 चक्कर में 5 mm अपन 5 इक्वल टू 1 mm, ये इसका चूड़ी अंतराल हुआ। चूड़ी अंतराल में अपन वर्ताकार पैमाने में भागों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.001। उसके बाद में अपन इसमें एरर देखेंगे कि एरर है या नहीं है। एरर के लिए अपन इसमें चेक करते हैं कि मेन स्केल का 0 और वर्ताकार पैमाने का 0 अगर बिल्कुल आमने सामने है, संपातित है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर एरर है तो इसमें चेक करेंगे कि नेगेटिव एरर है या पॉजिटिव एरर है। नेगेटिव एरर है तो जो मेन स्केल का 0 है और जो वर्ताकार पैमाने का 0 अगर मेन स्केल के 0 के ऊपर की ओर है तो वो ऋणात्मक एरर कहलाती है, और अगर मेन स्केल के 0 के वर्ताकार पैमाने का 0 दाईं ओर है, नीचे की ओर है, तो पॉजिटिव एरर कहलाती है। लास्ट में पॉजिटिव एरर है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और नेगेटिव एरर चूंकि नेगेटिव होता है तो लास्ट में नेगेटिव को लेस करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी। इस प्रकार लास्ट में उसको नेगेटिव एरर को अपन ऐड कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी रीडिंग कैसे नोट करते हैं। इस तार का अपन को व्यास ज्ञात करना है तो इसको यहाँ लगा देते हैं। उसको लगाने के बाद में अपन इससे अपन इस रेचिट से इसको टाइट करते हैं, और यहाँ चट चट की आवाज़ आती है, इसका मतलब देखते हैं कि पूरी तरह फिक्स हो गया, कस गया है। रीडिंग नोट करते हैं, यहाँ मेन स्केल में देखते हैं। सपोज करो यहाँ ये वर्ताकार पैमाने से जस्ट पहले एक भाग आ रहा है 1 mm, तो ये मैंने लिख रखा सपोज करके कि 1 mm इसका मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। यहाँ देखेंगे वर्ताकार पैमाने में कि इस लाइन के सिद में यहाँ वर्ताकार भागों में कौन सा भाग इसके बिल्कुल सामने आ रहा है। सपोज करो मैंने यहाँ 35 लिख रखा, 35 वर्ताकार भाग हो जाएंगे। इसको अपन लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मुख्य पैमाने में ऐड कर देंगे तो इसका कुल मान आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी रीडिंग नोट कर लेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा, दोनों को रीडिंगों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका माध्य व्यास आ जाएगा। माध्य व्यास को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तार की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, अब घनत्व निकालने का एक फॉर्मूला होता है m/πr²l। एम जो तार का मास है वो अपन भौतिक तुला से तोल लेंगे, और जो पाई है अपन जानते हैं उसका मान 22/7 होता है। आर जो रेडियस अपन ने अभी फाइंड करी थी उसका स्क्वायर करके लिख देंगे, और एल स्केल से इसका लंबाई मान नाप लेंगे वो यहाँ पुट कर देंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी रीडिंग आएगी यहाँ नोट कर देंगे। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, अपन रिजल्ट में लास्ट में लिख देंगे अपन जो भी त्रिज्या आई वो यहाँ मीटर में लिख देंगे। सेंटीमीटर में है तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में हो जाएगी। घनत्व नोट कर देंगे यहाँ पे, और तार का जो मानक घनत्व होता है चूंकि कॉपर का तार है तो इसका स्टैंडर्ड घनत्व होता है 8960 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एरर निकालेंगे इसकी प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है d-d0/d0। यहाँ d जो अपन ने फाइंड किया था घनत्व, और d0 स्टैंडर्ड मान है घनत्व तार का कॉपर का, वो यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगी। लास्ट में अपन इसकी सावधानियाँ लिख देंगे। सावधानियाँ में अपन पाठ्यांक निकालते समय स्क्रूगेज को एकदम सामने से देखना चाहिए। अगर इसको अपन मूव कराते हैं यहाँ पे घर्षण हो रहा तो चूड़ियों में 1-2 बूंद तेल के डाल देनी चाहिए तो फ्री हैंड में मूव करेगा। इस पर ये अपना आज का प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। थैंक्स।